सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो यार आपका स्वागत है अपने चैनल विजय नियन में। तो यार आज किस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ होली का सबसे बड़ा VFX वीडियो। तो भैया अभी तक इस वीडियो को किसी ने नहीं बनाया, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और आपको इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आपको वीडियो को रिकॉर्ड कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको वीडियो को कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करना है। और जैसा कि आपके भाई ने, डांस तो आता नहीं है फिर भी आपके भाई ने कोशिश की है, अगर डांस अच्छा लगे तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना, अगर नहीं अच्छा लगे तो बाद में लाइक करना वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले देख लीजिए आपको यहाँ पे करना क्या है। आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज क्या है, आपका कैमरा जो होना चाहिए वो ज्यादा हिलना नहीं चाहिए, आपको एक जगह पे फिक्स कर देना है अपने कैमरे को। और दूसरा चीज क्या करना है आपको, आपके बैकग्राउंड में सबसे ज्यादा आपका स्काई दिखना चाहिए। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे मेरे बैकग्राउंड में मेरा पूरा स्काई दिख रहा है, पीछे का बैकग्राउंड मेरा स्काई और थोड़ा सा पेड़ दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका सारा का सारा पीछे का बैकग्राउंड स्काई वाला होना चाहिए, थोड़ा बहुत जो पेड़ पौधे आ जाएंगे तो एक नंबर की वीडियो बनेगी। अब आपको यहाँ पे रिकॉर्ड कैसे करना है वो देख लीजिए, एक बारी ध्यान से देखना मेरे भाई। तो ये यहां पे आप देख सकते हो ये गाना है पवन सिंह का। तो ये कॉपीराइट ना जाए इसलिए थोड़ा सा आगे करके मैं बजा रहा हूं, तो यहां पे मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूं, फिर देखना आप। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से डांस कर लेना है भैया। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। और भैया ये गाना है ट्रेंड में और अभी तक इस ट्यूटोरियल को किसी ने नहीं बनाया है, पूरे यूट्यूब पे, पूरे टिकटॉक पे सिर्फ आपके भाई ने बनाया। अगर आपका एक मस्त आइडिया, मतलब कि आपके पास फॉलोवर्स 2000-1000 हैं, तो भैया आपका ये वीडियो 100% वायरल होगा, ये आपके भाई की गारंटी है। तो अब इसे क्रिएट कैसे करना है, इसे बनाना कैसे है वो देख लेते हैं। वीडियो तो आपको इसी तरीके से रिकॉर्ड करना है, बिना फोन के हिलाए ट्राइपॉड पे फिक्स कर देना या फिर किसी ईंट पत्थर पे लगा देना, और बैकग्राउंड में आपके स्काई दिखना चाहिए बहुत सारा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे आपको वीडियो को रिकॉर्ड करना है। अब आपको एडिट कैसे करना है वो देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको एडिट करना है। सो फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे करना क्या, सिंपल से हरदम की तरह आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे कर देना है। क्लिक क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बीच वाले रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है, मतलब कि 9.60 वाले रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या, सिंपल से मीडिया में चले जाना है। मीडिया पर जाने के बाद यहाँ पे आपको बैकग्राउंड्स पे चले जाना है। बैकग्राउंड्स पे जाने के बाद एक बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद आपने जितना जो है वो वीडियो को रिकॉर्ड किया है सिंपल से उतना इसका ड्यूरेशन रख लेना है, उतना इसका टाइम रख लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। और रखने के बाद सिंपल से आपको एक वीडियो बनानी पड़ेगी, आपको एक वीडियो डाउनलोड कर लेना है जो है वो यूट्यूब से, जो पवन सिंह का नया सॉन्ग आया है कमरिए हिला रही है, वही वाला सॉन्ग आपको डाउनलोड कर लेना है उसका वीडियो। और उसमें जो लड़की का थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है उसे कट करके मर्ज करके उसको रख लेना है। तो यहाँ पर आपको सिंपल से करना क्या है, लेयर पर क्लिक करके उसे इम्पोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ उसे इम्पोर्ट। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से जोड़ जोड़ के, मतलब कि जितना लड़की वाला पार्ट हो उतना जोड़ जोड़ के यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से वीडियो बना लेनी है, उसके बाद आपको लेयर के थ्रू इसमें इंपोर्ट कर लेनी है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल से आपको सीजर के बगल में एक ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन कर देना है। करने के बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से जो वीडियो आपने रिकॉर्ड किया उसको इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको लेयर पर क्लिक कर देना है, मीडिया पर चले जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपको उस फोल्डर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको उस वीडियो को चूज कर लेना है। चूज करने के बाद वो वीडियो आपकी हो जाएगी इंपोर्ट। अब आपको यहां पे करना क्या है, सिंपल से आपको यहां पे फिट स्क्रीन पे चले जाना है और फिट स्क्रीन पे जाने के बाद यहां पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां से आपको बैक चले जाना है और यहां पे आपको करना क्या है, सिंपल से इधर स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा क्रोमा की, तो सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर देना है। करने के बाद यहाँ पे आपको की कलर दिख जाएगा, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जो आपका स्काई का कलर हो सिंपल से उसे चूज कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ चूज, तो यहाँ पे मैंने कर लिया चूज। और यहाँ पे चूज करने के बाद आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। तो भैया मैं कर लेता हूँ एडजस्ट, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है अच्छी तरीके से। यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है, जितना एडजस्ट आप अच्छे तरीके से करोगे उतनी अच्छी आपकी वीडियो बनेगी।
यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा अच्छे तरीके से एडजस्ट हो गया। अगर आपका यहाँ से नहीं होता तो सिंपल से आपको करना क्या है, नीचे यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिटेल क्रू, तो सिंपल से आपको इस पर क्लिक करके अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है, डिटेल को मिला लेना है, और मिलाने के बाद अच्छे से कर लेना है एडजस्ट। आपको जितना अच्छा आप एडजस्ट करोगे उतनी अच्छी आपकी वीडियो बनेगी, और आपका स्काई जितना दिखेगा उतनी वीडियो लड़की की दिखेगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ से अब आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से नीचे वाली लेयर पे क्लिक कर देना है, लड़की वाली लेयर पे, और यहाँ पे आपको इसके साउंड को सिंपल से बंद कर देना है। बंद करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, वीडियो को एक बार प्ले करके देख लेना है कि आपकी वीडियो बनी कैसे। तो यहाँ पे मैं वीडियो को कर देता हूँ प्ले और आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका वीडियो पूरी तरीके से बन चुका है। तो यहाँ पे अभी एक छोटा सा जो है वो काम बाकी है, तो वो भी कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पैंट पे जो है वो पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है। तो सिंपल से अब आपको यहाँ पे करना क्या है, फिर से यहाँ पे इस वीडियो को कर लेना है सेव। तो यहाँ पे आपको शेयर वाले बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को कर लेना है सेव। अब आपका जब ये वीडियो हो जाए सेव, तब आपको करना क्या है, सिंपल से आपको जो है वो उसी वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है मीडिया के थ्रू, जैसा कि यहाँ पे आपके भाई ने कर लिया। उसको सेव करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल से लेयर पे चले जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे चले जाने के बाद आपको करना क्या है, जो वीडियो आपने रिकॉर्ड की थी सिंपल से आपको उसे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपल से सीजर के बगल में आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा फिट स्क्रीन का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको फिट स्क्रीन पर चले जाना है। और जाने के बाद यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल से यहाँ पे इसे थोड़ा सा डाउन कर देना है जहाँ तक आपका पैंट है। तो यहां पे आपको कुछ इस तरीके से रख लेना है। रखने के बाद यहां से आपको बैक चले जाना है, और यहां पे आपको करना क्या है, सिंपल से नीचे वाली लेयर पे क्लिक करके इसके साउंड को बंद कर देना है। अब यहां पे मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूं, और यहां पे आप मेरे पैंट को देखना, थोड़ा सा भी नहीं दिखेगा बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैंट का पीछे का हिस्सा थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपकी वीडियो पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपल से यहाँ पे आपको जो है वो इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको फेड आउट को बंद कर देना है। बंद करने के बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपकी वीडियो पूरी तरीके से बन के तैयार है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो आपका फालतू का भाग है, मतलब कि यहाँ से जो आपका फालतू का भाग है, सिंपल से आपको यहाँ से इस पर क्लिक करके इसे कट कर देना है, जितना भी फालतू का भाग हो। और यहाँ पे करना क्या है, इसे आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे आपको शेयर वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इस वीडियो को कर लेना है सेव। तो भैया यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अभी तक किसी ने नहीं बनाया है, सिर्फ आपके भाई ने आपके लिए इस वीडियो को बनाया है। और यहाँ पे इस वीडियो को अगर आप बना के डालते हो तो 100% आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सॉन्ग जो है वो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, और पवन सिंह का सॉन्ग है, और होली आने वाली है। तो भैया अगर आप इसे बना के डालते हो इस तरीके की वीडियो, अभी तक यूट्यूब पे भी इस वीडियो को किसी ने नहीं बनाया है, तो अगर आप इसे बना के टिकटॉक पे डालते हो, अगर आपके 1000-2000 जो है फॉलोअर्स हैं, तो यार आपकी वीडियो जरूर रैंक करेगी, 100% रैंक करेगी, और इस तरीके की वीडियो और भी बनेगी। तो यार वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और यार चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका भाई डेली ऐसे ही वीडियो लेकर आपके लिए लाता है, आता है मतलब कि। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो। मिलते हैं ऐसी किसी फाड़ू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय राम जी का। और आप भैया एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसे सेव कर सकते हो, ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जब आप इसे टिकटॉक पे डालने लगो तो यहाँ पे जब आप इसमें थोड़ा सा इफेक्ट दे दोगे तो ये वीडियो आपकी एक नंबर की बन जाएगी। तो भैया वीडियो को कर देते हैं समाप्त।